हेलो एंड वेलकम यूट्यूबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि आज मैं इस वीडियो के अंदर किस बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल देख करके पता चल गया है कि अगर आपका DU के अंदर एडमिशन नहीं हुआ या DU के अंदर आपको लगता है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, तो आपके लिए क्या करियर ऑप्शन है और कौन कौन से दूसरे ऑप्शन हैं जो कि DU जैसे ही हैं, इवन अगर मैं बात करूं तो DU से भी बेटर आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ें आपको नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि कुछ एक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर DU के अंदर कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करते हैं, उसकी जगह पर कहे दूसरा कोर्स ले लेते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको करना वही है जो आपने सोचा था 12वीं क्लास में, जिसको चीज़ को आपने सोचा था कि मुझे ये चीज़ करनी है। अगर आपने इंजीनियरिंग में जाना है तो इंजीनियरिंग में ही जाना है आपको। इंजीनियरिंग के जाने के बाद अगर आपको जाना है आर्ट्स के आर्ट्स साइड्स में जाना है तो आर्ट्स में ही जाइए आप वहाँ पे। अगर आपने सोचा था कि मैं पॉलिटिकल ऑनर्स करूँगा तो ऑनर्स ही करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके करियर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से कोर्स आगे करके लेकर के चलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ DU के अंदर अगर आपकी कट ऑफ आई है, अभी जैसे कि आपको पता होगा कि जो पहली कट ऑफ गई थी वो 98.5% गई थी, तो वहाँ पर जो बच्चे 90% पर जा करके पार्टियाँ बना रहे थे या जिनके घर में खुशी वाला माहौल था, लेकिन वहां पे पहली कट ऑफ देख करके उन्हें यह चीज पता चल गई है कि DU के अंदर इस बार कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है, और वहां पे उनको यह भी पता चल गया कि DU के अंदर कट ऑफ तो हाई जाएगी जाएगी, साथ में चांस ये भी बन सकता है कि उनके बच्चे का शायद वहां पे एडमिशन ना भी हो सके। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ और भी यूनिवर्सिटीज जहां पे DU जैसी फैसिलिटीज तो आपको मिलेंगी मिलेंगी, साथ में वो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो DU के अंदर अवेलेबल है। किसी भी प्रोग्राम कोर्स की अगर मैं बात करूं, किसी भी ऑनर्स कोर्स की बात करूं या फिर किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की अगर मैं बात करूं, वो सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वो सारी यूनिवर्सिटी है कौन कौन सी, तो उसको मैं वन बाई वन बता देता हूँ। दोस्तों, पहली यूनिवर्सिटी यहाँ पर निकल के आती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, AP यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी नाम सुना होगा आपने AP यूनिवर्सिटी का, तो DU जैसा तो आप फील नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि इंडिया के भी हैं और आउट ऑफ इंडिया के भी कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, स्टेट से आपको स्टूडेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। इवन वहाँ पे आपको कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट मिल जाएंगे, कश्मीर तक के मिल जाएंगे। इधर से अगर मैं बात करूँ, जगह जगह के स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, सेम एटमॉस्फेयर आपको मिलता है जैसा कि DU के कॉलेजेस के अंदर आपको मिलता है। IP के जो कॉलेजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड कॉलेज हैं। अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेयर के मामले में, अगर मैं बात करूँ एजुकेशन के मामले में, तो वहाँ पे उनकी रैंकिंग भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि DU के अंदर आप ट्राई मत करिए, लेकिन ट्राई ज़रूर करिए, लेकिन साथ में बैकअप प्लान बना करके चलिए कि अगर आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं होता है तो यहाँ पे एज अ बैकअप आप इसको लेकर के चलिए कि ये वाली जो यूनिवर्सिटी है ये भी आपके लिए बेटर साबित हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जी हाँ दोस्तों, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपने सुना होगा, तो अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आप जा करके कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि JNU में जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं जामिया इस्लामी यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, इन यूनिवर्सिटीज़, ये जो चार यूनिवर्सिटी हैं, इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर इवन PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पहले से अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ है मुझे नहीं लगता कि 70 तक तो पहुंच ही पाएगी। 70 तक क्या दोस्तों, अगर मैं बात करूं 85% तक भी यहाँ की कट ऑफ नहीं पहुंच पाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहली कट ऑफ, दूसरी, तीसरी में अगर आपका नंबर आ गया तो ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो भी सीट्स होती हैं कोर्सेज के लिए, अगर जैसे BA प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, या BCom प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर जो सीट्स हैं वो पहली, दूसरी या मैक्सिमम तीसरी कट ऑफ तक वो सारी की सारी सीट्स हो जाती हैं फुल, और उसके बाद में क्या है, आपका नंबर नहीं आ पाता, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो होता है SOL, जी हाँ, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, या फिर आप कोरेस्पोंडेंस से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बताना चाह रहा था इसी वीडियो के माध्यम। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जो भी DU के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या उन्हें उनको लगता है, आपको लगता है कि उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, या फिर आप भी फॉलो कर सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर के उनको चेक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पर एडमिशन फॉर्म भी डाउनलोड करके आप उसको प्रिपेयर रह सकते हैं कि हो सकता है कि अगर आपका एडमिशन ना आए तो आप प्रिपेयर रहें कि दूसरी यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर,
जय हिंद।